अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं अपने चैनल कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली MICR के बारे में। MICR बेसिक डिफिनेशन है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को बताऊँगा। इसका जो डिफिनेशन है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि MICR इन्वेंट हुआ था 1950s में, जिसका जो मेन वजह था वो था मतलब जो चेक्स थे उन पे उनकी जो सिक्योरिटी थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा सख्त करना था। मतलब जो चेक्स थे उनका जो फेक होने का, मतलब जब मोस्ट ऑफ द चेक्स जब फेक होते हैं तो उनको कैसे आप डिटेक्ट करें कि वो एक रियल चेक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं दो चीज़ें, या हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टोनर या मैग्नेटिक इंक, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। इन दोनों की वजह से हम एक और फॉन्ट भी यूज़ करते हैं जिसको हम मैग्नेटिक MICR फॉन्ट कहते हैं। अब उस फॉन्ट को इस्तेमाल करके और इस इनको इस्तेमाल करके हम एक कोड लिखते हैं, जिसको जब हम स्कैन करते हैं तो मतलब आपको पता चल जाता है कि जो ये चेक है असली है या नकली है। तो इसमें जो असली और नकली होने का फ़र्क ये है, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इंक हम यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक रीडर। अब मैग्नेटिक इंक रीडर रीडर जो इंक होता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे वो अट्रैक्ट होता है। तो जब अगर किसी कोई चेक एक चेक बनाए किसी भी प्रिंटर से कोई नकली चेक बनाए, तो आप जब उसको मैग्नेटिक इंक रीडर के सामने डालते हो तो आप वहाँ पर आप जान सकते हो कि ये जो मतलब इंक है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये एक रॉन्ग मतलब एक गलत चेक है। और अगर जो कोड हम जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें एक कोड इनकोड करते हैं जो एक बैंक की तरफ से होता है। तो जब इस कोड को भी स्कैन करते हैं अगर ये कोड भी रॉन्ग हुआ तो वो चेक को एक्सेप्ट नहीं कर सकता बैंक। तो जब हम किसी MICR कोड को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर दो किस्म के प्रिंटर्स आते हैं, एक वो प्रिंटर एक कंपनी होता है जो आपके चेक्स को प्रिंट करता है, मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करता है। और उसके बाद जो एक आता है जो आपकी डेस्कटॉप पे लगता है, जिसको आप पर्सनली आप अपने चेक्स को प्रिंट कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी कि MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर क्या चीज़ होता है और ये किस लिए काम आते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।